सवाल फॉर यू, मुझे बोलो बाजी राव का कौन सा एक क्वालिटी है जो इस फिल्म के हो जाने के बाद भी आपके अंदर रह जाएगी? आपके सवाल का जवाब देने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एवरीबॉडी फॉर कमिंग ऑल द वे टू गोरेगांव इन द मिडल ऑफ द आफ्टरनून. थैंक यू फॉर कमिंग आउट. बहुत स्पेशल डे है, फर्स्ट पोस्टर लॉन्च हो रहा है, काफी बड़ा पोस्टर है. आई एम वेरी वेरी हैप्पी टुडे टू बी लॉन्चिंग द पोस्टर. आवर टीजर इज आउट, इट्स गॉट सच अ फिनोमिनल रिस्पॉन्स. आवर फर्स्ट सॉन्ग दीवानी मस्तानी इज आउट, इट्स गॉट अ फैबुलस रिस्पॉन्स. So I hope people like the poster as well. To answer your question, मैं तो बस यही कहूँगा कि I'm just very, very happy I got to do this film because I've learned so much, I've grown so much. It's the whole shooting experience, the making of this film, which will remain with me forever. Everything I've learned from the master maker himself, Mr. Bhansali, right, has helped me grow as an artist, and I will keep it and cherish it for the rest of my life. Okay, and now to do the honors, are we all set? रणवीर ने पहले ही बोल दिया था जोश नहीं होगा कैसे करूंगा यार. आर वी ऑल सेट लेडीज एंड जेंटलमैन? उधर से हल्ला हो रहा है. हमारे मीडिया वाले दोस्त बैठे ना, पहले बोले हम देखेंगे पहले पोस्टर अच्छा लगा तो नॉइज करेंगे हम लोग. ऐसे नहीं, पहले से ओके ओके, आई एम गोना गो नीचे. रणवीर, वी हैव अ क्रेजी फैन फॉलोइंग ओवर हियर. क्या करना पड़ता है? कम ऑन, मेक सम नॉइज. मेक सम नॉइज भाई. मैं क्या करूं? टेल मी व्हेन. हां गाइस, आर वी गुड विद दिस? आई विल टेस्ट इट वंस मोर. I'll add to it, maybe it'll be more. Okay. 1, 2, 3. Ab lag raha hai. Grandest film of the year. And yahan pe to do the honors, Ranveer, ab